ओम शांति। 9/11/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। प्रश्न: गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर: जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस। वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत: बचपन के दिन भुला ना देना। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोहा हो जाओ। वरदान: नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो, नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन: मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान को बाबा कभी।